दूल्हे राजा सेहरा बांधकर गए थे अपने ससुराल दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन दुल्हन तो साथ नहीं आई, पर बारात में जमकर मारपीट और आरोप प्रत्यारोप खूब हुआ। जी हां, मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां देवरा गांव में हनुमान थाना अंतर्गत ढाबा गौतराम से पवन कुमार हरिजन 31 मई को बारात लेकर आया हुआ था। बारात में खुशी का माहौल चल ही रहा था कि जयमाला के वक्त लाइट चली गई, जिस पर लड़के पक्ष वालों की तरफ से लाइट की मांग की गई, लेकिन लड़की पक्ष वाले नहीं माने और फिर दोनों पक्ष में विवाद शुरू हो गया। फरियादी कृष्ण कुमार हरिजन ने बताया है कि लड़की पक्ष वालों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। साथ ही बताया कि लड़की पक्ष वालों ने उल्टा थाने में जाकर मामला दर्ज करवा दिया कि दहेज के कारण शादी टूटी है, जबकि दहेज के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए दिया गया है और कोई भी मांग नहीं की गई है, बावजूद इसके इस तरह से फंसा दिया गया। शादी में गया, वहाँ बारात लेके सभी लोग गए, शादी हुई, जयमाला दूराचार हुआ और जयमाला मैं गया। जयमाला जब मारने में गया तो उसके भाई ने बोला कि जयमाला तुम मेरी बहन दूसरे से बात करती है, जयमाला मत डालो। मैं जब उसके भाई ऐसे बोला तो मेरे भाई जी बोले क्यों ऐसे बोले, तो मेरे भाई को टांगा से उसने मार दिया, नहीं लगी हाँ। दहेज की डिमांड की गई, दहेज में मुझे 10,000 तिलक दिए थे, 1,000 परीक्षा दिए थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। मैं वहाँ तिलक और दहेज कुछ भी नहीं मांगे होते मैं बारात मच जाता, उसी दिन लड़ाई हो जाती। तिलक के दिन अब मैं बोल देता, शादी कर लिया होगा, कुछ दिन जाएंगे मेरा बदला ले लेंगे, मार पीट देंगे, क्या करेंगे हम, अकेले जाएंगे, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। सब दिन के लिए हो जाएगा। हालांकि लड़के पक्ष वालों ने भी मारपीट की शिकायत खटखरी चौकी में दर्ज करवा दी है, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्ष की ओर से मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। लड़के पक्ष वालों ने यह मांग की है कि न्यायिक जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उन पर कार्रवाई की जाए। ये आरोप लगाया गया है कि वो बहुत पहले का था, 2011 में शादी हुई थी मेरी एक छोटे चचेरे भाई का, वहाँ भी एक बार झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े का बदौलत उसने ऐसा व्यवहार किया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को साथ मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर ऐसे जाएंगे दोबारा फिर वही वार्तालाप करेंगे, मारपीट करेंगे, हमारे पूरे संपत्ति को लूट लेंगे, जो ले जाएंगे थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके यहाँ शादी ना करें। हाँ, मामला दर्ज किया गया है न, खड़खरी थाने में चौकी पे। ऐसे भी अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है, क्योंकि ये मामला काफी पेचीदा लग रहा है। रीवा से सुभाष मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।